जीत के पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। जी तो नाजरीन, कनाडा को हराने के बाद पाकिस्तान टीम अब सुपर एट में कैसे क्वालिफाई कर सकती है, शोएब अख्तर ने वाजे कर दिया। मुकम्मल तफसीलात आपको बताते हैं। इससे पहले किंग आमिर की आज परफॉर्मेंस पर क्या कहते हैं, उन्होंने 4 ओवर्स में 13 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और वो आज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तो अब आपको ताजा तरीन प्वाइंट टेबल पाकिस्तान टीम की कैनेडा से जीत के बाद बताते चले कि अब पाकिस्तान टीम प्वाइंट टेबल पर नंबर 3 पर आ चुका है, जबकि नंबर 2 पर यूएसए है। अब पाकिस्तान टीम कैसे सुपर एट में क्वालिफाई कर सकता है, तो इसके लिए पाकिस्तान टीम अपना अगर अगला मैच आयरलैंड से जीत जाता है तो पाकिस्तान टीम नंबर 2 पर आ जाएगी, जबकि यूएसए की टीम भारत से हार के बाद नंबर 4 पर भी जा सकती है। फिर फैसला होगा पाकिस्तान टीम और यूएसए का सुपर एट में दाखिले का, यूएसए और आयरलैंड के मैच में। अगर यूएसए आयरलैंड से हार जाती है तो फिर पाकिस्तान टीम सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि अगर यूएसए आयरलैंड को हरा जाता है तो फिर यूएसए पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर आ जाएगा और पाकिस्तान टीम नंबर 3 पर चली जाएगी। तो आपके मुताबिक क्या पाकिस्तान टीम रेट के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।